everyone, my name is Dhruvan. You're welcome to my YouTube channel, iDhruv. And today is a very special unboxing on the Christmas. Today being a very special unboxing because today is a happy new year. Happy new year to you all. आज है न्यू ईयर ईव 31st of December एंड सीरियसली हो आप सबने तो आज से नए वादे किए होंगे, नई चीज़ें सोची होंगी अपने न्यू ईयर के लिए, वो आप पूरी करें 2021 बिकॉज सबका यानी 2020 ज़्यादा चाहे 2020 अच्छा गया हो या ना गया हो उसके बारे में इतना बिल्कुल भी नहीं सोचना, जो जा चुका है वो जा चुका है। नो फोकस ऑन योर फ्यूचर कि वो कैसा होगा, अपनी प्लानिंग करो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ एंड अपनी सारी चीज़ें टाइम पर करो। यू इफ यू थिंक पॉजिटिव यू योर आउटकम विल बी पॉजिटिव, नॉट इन टर्म्स ऑफ समझ गया आज की जो रात है वो धमाल मचा देना, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ही। आई विश यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड यस लेट्स कंटिन्यू टू अनबॉक्स दिस पैकेट, क्योंकि ये पैकेट मेरे लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पेशल। आपने देखा है मैं कंटिन्यूअसली राइडिंग की एंड गियर्स की वीडियोस डाले जा रहा हूँ डेली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बाइक वन ऑफ अ काइंड दिखे एंड उसके लिए काफी सारी एक्सेसरीज मैंने ऑर्डर करी, प्री ऑर्डर करी एंड काफी सारी चीजें मंगवाई, लेकिन ये सारी चीजें होने से पहले, लेकिन इन सब के लिए ये जो चीज थी ये इतनी ज्यादा स्पेशल थी मेरे से रुका नहीं गया एंड पागलों की तरह पार्टियां करने वाले, एंजॉय करने वाले अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, बिकॉज पीपल नो दैट व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। पैकिंग तो गॉड्स बढ़िया करके देता है, आपने टाइटल के अंदर देख ही लिया होगा। एंड यस गाइस, आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट 5000 सब्सक्राइबर्स हम टच करने वाले हैं एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब करते जाना, न्यू ईयर तक कर देंगे, नहीं 4800 हो चुके हैं अभी तक। वी होप फॉर द बेस्ट कि हम न्यू ईयर तक या 1st of January तक टच कर देंगे जो है हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स। अच्छी बात है, बड़ी चीज़ है। लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग। पहले मैं सबको इस चीज़ का मतलब एंड जो इस चीज़ का मूल्य ये समझाना चाहता हूँ, ये है गॉड्स का टूरिंग बैग। आई विल टेल यू, लास्ट टाइम आई ऑर्डर्ड गॉड्स बैग दैट्स व्हाट गॉड ज़ेटर, उसके अंदर मिली थी मेरे को ब्लैक कलर की बॉटल एंड दिस इज ब्लू। वाह। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टेल यू दैट दिस कम्प्लीट वीडियो इज शॉट ऑन फोन, सो ये मत बोलना, प्री DSLR देन द क्वालिटी एंड द वीडियो इज ऑल्सो गुड, ये रीज़न नहीं है बिल्कुल भी। मैं फ़ोन से वीडियो बस आप लोगों के लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि आप सबको दे सको मैं बहुत अच्छा कंटेंट एंड आपको अंडरस्टैंडिंग भी कि येस हैविंग अ DSLR डज नॉट मीन दैट यू कांट बी अ यूट्यूबर, यू कांट मेक वीडियोज, विद जस्ट अ फोन यू कैन मेक वीडियोज एंड प्रॉपर गुड वीडियोज, यू जस्ट नीड टू हैव कंटेंट इन इट। धूप लग रही है दोस्तों, मैंने सोचा थोड़ी छाया में आ जाते हैं क्योंकि बॉटल के अंदर पानी भर के भी तो पीना है ना फिर। अभी ये बॉटल है यार बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, आई मीन दैट गॉड्स इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड द कस्टमर बेनिफिशियरी दैट दे आर प्रोवाइडिंग एब्सोल्युटली ग्रेट, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो 2 साल पहले भी इस क्वालिटी के अंदर, प्रिटी श्योर कि इसकी क्वालिटी बढ़ी होगी आप सबको, क्योंकि आप में से जितने भी बाइक राइडर्स हैं उनके लिए ये एक्सेसरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली दिस थिंग, क्योंकि प्यास तो हर किसी को। नाउ लेट मी अनबॉक्स दिस बैग, दिस एब्सोल्युटली बैग, दिस बैग लुक्स लाइक द ज़ेटर, द गॉड ज़ेटर बैग दैट आई हैव सीन। थोड़ी हरियाली में आओ, थोड़ी हरियाली में आओ, यहाँ आते हैं। ओके द एम आर पी ऑन दिस इज 1499 बट आई गॉट दिस इन 1079 रुपीज विद दिस बैग एंड दिस बॉटल वॉज एब्सोल्युटली फ्री। आई जस्ट वांट टू ऐड टू दिस थिंग दैट हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एंड आपके लिए न्यू ईयर पे मैं लेकर आया हूँ 10% डिस्काउंट ऑन विच देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इफ यू वांट टू बाय दिस बैग, उस लिंक पर क्लिक करो, अपने सारे के सारे जो गुड्स है आपको ये लेने हैं, आपको जो भी सामान उस वेबसाइट से लेना है वो सारा अपने कार्ट में ऐड करो एंड जब आप चेकआउट करने लगोगे तब आपका डिस्काउंट कूपन अपने आप अप्लाई हो जाएगा एंड दिस बैग विल बी ऑन डिस्काउंट फॉर यू ऑल। सो द पैकेजिंग इज एज स्टैंडर्ड एज यू कैन सी व्हेन वी कम टू द क्वालिटी, यस दिस एब्सोल्युटली मेश क्वालिटी एंड दिस इज काइंड ऑफ वाटर प्रूफ, यू कैन से दिस कुड बी स्प्लैश प्रूफ। सो दिस इज अ मल्टीपर्पज बैग, सो यू कैन यूज दिस एज अ थाई बैग, थाई बैग इन द सेंस कि आप इसको यहाँ बांध सकते हो अपनी थाई पर अराउंड, देयर इज कम्प्लीटली अ गुड पॉकेट जहाँ पर आपकी सारी की सारी स्ट्रैप्स है वो हाइड हो जाएंगी। दिस इज बीइंग अ थाई बैग एंड ऑल्सो अ स्लिंग बैग दैट इज अ मेन स्लिंग बैग, इसके अंदर आ जाती है बहुत ज़्यादा तगड़ी एक चीज़ दैट यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ टैंक बैग फॉर योर डेली कम्यूट, सी लाइक दिस। सो माय मेन पर्पस टू ऑर्डर दिस वन वाज जब भी मैं अपनी बाइक पर बाहर निकलता हूँ मेरे को छोटे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, मेरा वॉलेट हो गया, फिर मेरा एक्स्ट्रा कोई फ़ोन हो गया या कोई भी ऐसी एक्सेसरी हो गई जिसको ना
मैं कैरी नहीं कर पाता अपने साथ, क्योंकि बाइक के अंदर आपको पता है स्टोरेज नहीं आती है, जो साइड का कंपार्टमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर टूल बॉक्स एंड फ्यूजेस होते हैं, तो वहाँ पर कोई जगह बचती नहीं है। तो ये चीज़ ऑर्डर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि अभी आपने मैं उसको चपका के दिखाया, इसके अंदर है यहाँ पर मैगनेट्स का ही सारी, एक दो फोर मैगनेट्स तो दिख गई है, फोर मैगनेट्स एंड आई थिंक दैट इज क्वाइट इनफ, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रैप्स भी है, तो हम स्ट्रैप्स इसके अंदर बांध नहीं सकते। क्वालिटी इज एब्सोल्यूटली ग्रेट। जब बंद हो गया मेरे हाथ में आ गया। सो व्हाट दिस थिंग हैव इज कि इसके पीछे एक ऐसा स्पेस दिया है जहाँ पर मैं जितनी स्ट्रैप्स है ना इनको खोल कर आराम से अंदर डाल सकता हूँ। ये देख, ये यहाँ से अंदर डाल दी एंड इसको यहाँ से खोला एंड इसको यहाँ से अंदर डाल दिया। सो यू कैन, इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस एज अ स्लिंग बैग, यू कैन यूज दिस एज अ टैंक बैग ऑन योर बाइक। अगर आपकी टैंक जो है वो मेटालिक है, क्योंकि मैग्नेट्स जो है वो मेटल पर ही अट्रैक्ट होती हैं, तो इस चक्कर में ये मेटालिक टैंक के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। एंड टैंक बैग्स जो अपने आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, वो चीज़ यूज़ करनी प्रैक्टिकल नहीं होती सिटी के अंदर, कौन यूज़ करेगा वो चीज़, टूरिंग पर यूज़ होती है। सो यू कैन यूज़ दिस थिंग एक्चुअली इन सिटी। सब्जी लेने जा रहे हो आप, धनिया लेने जा रहे हो, धनिया वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हो। बढ़िया, अब इसके अंदर जितनी भी स्ट्रैप्स हैं वो सारे अंदर जा चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मैग्नेटिक की पैच ऑन कर देता हूँ एंड हमारी हिल गई दोस्तों, लेकिन बैग नहीं उतरा दोस्तों। और ये है, ये चीज़ यहाँ आती है चिपक जाती है, बाकी ऐसे तो कोई टेंशन है नहीं। आई लाइक द बैग, आई लाइक द क्वालिटी। अब जहाँ तक हम बात करते हैं गॉड्स की क्वालिटी की एंड जिस तरीके से इनका कस्टमर केयर यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ अपने गॉड्स का जो बैग है, दिस वॉज ऑर्डर इन 2019 का, थोड़ी सी मिट्टी लगी है क्योंकि हैवी यूज़ करने के हम मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। दिस इज़ द गॉड्स जेटा, यू कैन सी इसकी क्वालिटी अभी भी आज तक वैसी ही है। अगर आपने इसकी रिव्यू वीडियो एंड जो इसका गॉड्स का और कैमरा सेटअप का एक वीडियो मैंने डाली थी काफ़ी पहले, वो ज़्यादा वो जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँची थी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उस वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करी है आपको, आई बटन के अंदर यहाँ 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 कहीं मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं बोली थी। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर जब 10,000 या फिर 5,000 सब्सक्राइबर्स टच होंगे एक माइलस्टोन पे, हमेशा मैं एक गिव अवे रखता ही रखता हूँ। द जिप क्वालिटी इज एब्सोल्युटली ग्रेट, क्योंकि इसकी जो जिप है एंड जो प्रीवियस बैग की जिप्स हैं वो एकदम सेम। रजिस्टर योर प्रोडक्ट एंड गेट 1+1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, सेंड अस अ फोटो ऑफ योर इनवॉइस एंड व्हाट्सएप ऑन दिस ईमेल। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ मेश क्वालिटी, वारंटी हम बढ़वा लेंगे इसकी। दिस इज द काइंड ऑफ अ लूप जिसके अंदर आप लगा सकते हो अपनी कीज, एंड द पाउच आर वेरी ग्रेट, जिसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं अलग अलग, यू कैन कीप योर चेंज, यू कैन कीप योर स्टफ, एंड इसके अंदर काफ़ी सारे मिर्ची धनिया आ सकते हैं। तो यस, देयर इज नो ट्रबल, योर मॉम विल बी वेरी हैप्पी विद दिस, दैट न्यू ईयर पे एक ऐसी चीज़ लाया है कि उनका जो कन्वीनियंस है, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि मैं बाइक पर गया था और मैं धनिया नहीं ला सका। बट दिस यार, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना, इसका डिज़ाइन भी एक टैंक की तरह ही है, क्योंकि हमारा टैंक ऐसे ही होता है ना, यहाँ पर जो हमारा फिलिंग सेक्शन होता है। मैं प्रैक्टिकल टेस्ट करने वाला हूँ इस चीज़ का, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है या नहीं, कि इसका तो टेस्ट चलो बारिशों के अंदर रहेगा। मैं इसके ऊपर मस्त ऐसा टेक्सचर आ रखा है एंड दिस इज काइंड ऑफ लेदर और द आर्टिफिशियल लेदर यू कैन से, पर ये जो लाइन आ रही है ऑरेंज, दिस बॉर्डर्स इज ग्रेट। इसके अंदर कस्टमाइजेशन कुछ ना कुछ देनी चाहिए थी, दैट यू कैन कस्टमाइज दिस थिंग, पर इस प्राइस पॉइंट पर जो क्वालिटी मिली है एंड गॉड्स के ऊपर ये जो चीज़ है, ये रिफ्लेक्टर होती है हमेशा, ये जो प्रीवियस बैग्स होते हैं हमारे, ये भी एक रिफ्लेक्टर की तरह ही काम करती है। एंड यस, यू कैन यूज दिस एज अ स्लिंग बैग, जो मैं इसको करके दिखाने वाला हूँ। अब स्लिंग बैग का जो प्रयोग है दोस्तों वो करके देख लेते हैं, क्योंकि जब हम पहाड़ों में जाते हैं, हम ट्रैक्स पर जाते हैं, हम ट्रिप्स पर जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसा सामान होता है जो हमें ऐसे स्लिंग बैग में कैरी करना पड़ता है। यूज इट एज अ स्लिंग बैग एंड इसको आप वेस्ट बैग भी तरह भी यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा जो यहाँ पर हम लगाते हैं एक पाउच, यहाँ पे इसको आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल पर्पज पाउच है। एंड दिस इज द क्वालिटी आई लाइक अबाउट दिस, कि इसने काफ़ी सारी चीज़ों का सोल्यूशन कर दिया है। मेरी टैंक बैग का जो रिव्यू है वो मैं आपको नीचे भी बाइक पर जाकर दिखाऊंगा कि ये कितना ड्यूरेबल है, कितना काम का है। यहाँ पर ये तो हमें आ ही नहीं रही है, मेरे ख्याल ये हमारी थाई स्ट्रैप है। ओके, हमारा जो वेस्ट का बंधन होगा वो इसी से ही पूरा होगा जो हमने अपनी स्लिंग बैग के अंदर यूज़ किया था। दिस इज एक्चुअली वेरी कम्फर्टेबल यार, क्योंकि जैसे मान लें हम ट्रिप पर जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाली, क्योंकि इसके अंदर सीधा हमने पॉकेट खोली, ऐसे पैसे निकाले एंड ले ये सामान लेकर आ,
जो हमारी गाड़ी की चाबी है वो भी नहीं घूमने वाली है, जो वॉलेट वगैरह वो भी काफी सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, पर एंटी थेफ्ट का कुछ मुझे पता नहीं है। मान लो आप यहाँ पर पकड़ के ऐसे गोलगप्पे खा रहे हो, कोई साइड में से आपकी जिप खोल दे, जिप से इतनी स्मूथ है कि कोई भी आपको खोल के इसके अंदर से सामान लेके जा सकता है। सो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है, एंड दिस थिंग इज क्वाइट कंफर्टेबल। पता नहीं लग रहा है कि मैंने पहनी है नहीं पहनी, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग अबाउट दिस बैग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये चीज़ जो है वो मेरे पास ना प्रमोशन के लिए आई है ना किसी चीज़ के लिए आई है, मैंने अपने खुद के उससे ली है, मतलब आई वॉज गिफ्टेड दिस प्रोडक्ट बाय माई फैमिली। तो एज यू हैव सीन कि इसको मैंने लगा दिया अपने क्लासिक 350 के अंदर, विच इज़ द BS66 का बीच में यहाँ पर फिलिंग कैप होता है। अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर इसकी है मैग्नेट्स, इसको मैंने टैंक पे प्लेस कर दिया एंड ये चिपक गया है, एकदम बीचों बीच आ गया। एंड जो इसकी सेंटर मैग्नेट है जो यहाँ पर इसके जस्ट बैक में है, एंड ये एक एक मैग्नेट ये होती है जो लग जाती है ऐसे पर, यहाँ पर हमारा टैंक कैप आ गया। इसको क्या करेंगे, इस वाली जो मैग्नेट है इसको कैसे प्लेस करेंगे, चिपक तो टैंक कैप पर भी रही है, पर फॉर मोर सेफ्टी वी विल जस्ट पुश इट इनसाइड एंड इसको टैंक पर ही लगा देंगे। ना इसकी हाइट बढ़ेगी ना इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इसकी जो जितनी भी 4 मैग्नेट्स हैं वो ऑल द वे लग चुकी हैं टैंक के ऊपर, एंड दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल। वन आज दैट प्लीज़ कमेंट एंड टेल दैट हाउ इज़ दिस लुकिंग, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि छोटा सा जो टैंक बैग है हमारे लग कैसा रहा। सो एज यू हैव सीन दैट टैंक बैग इज इंस्टॉल्ड, दिस इज ओवर हियर, इसको मैं लगा देता हूँ वापस यहाँ पर, एंड इसके अंदर तो दिक्कत कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि जब स्क्रैचेस की दिक्कत होती है मेन टैंक बैग के ऊपर, जो इसकी जो एजेस हैं दैट इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी सॉफ्ट, सो इसके अंदर दैट देर इज़ नो पॉइंट दैट कि आपके टैंक के ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे। एंड वेन वी सेकेंडली टॉक अबाउट द वेट दैट टैंक के ऊपर वेट पड़ेगा कुछ होगा, या इसकी वेट कैपेसिटी क्या है, ऑब्वियसली वेट कैपेसिटी इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं डाल सकते, पर यूटिलिटी की चीज़ें ये ज़रूर हैंडल कर ले। आपने नोटिस कर ही लिया, तो इससे पहले मैं ही बता देता हूँ कि दिस इज़ द वेरी सेकंड डे दैट जिस दिन ये वीडियो शूट हुई, जिस दिन फ़ोन की जो बैटरी थी उसमें कोई इशू आ गया था, तो इस चक्कर में वो शूट नहीं हो पाई थी। सो दिस वॉज द कम्प्लीट रिव्यू अबाउट दिस टैंक बैग। इफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, इफ यू न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। Meet you in the very very next video, and oh yes, happy new year everyone। अगर आप ये video new year के बाद देख रहे हो या जो भी है, आपका साल बहुत अच्छा जाए, चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ें हो रही हो, न्यू फेक न्यूज सोर्सेज से कट रहो और फैमिली के साथ रहो, अपने दोस्तों के साथ रहो एंड पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करो, नॉट इन टर्म्स ऑफ टा बट इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। ओके, बी यू, क्रिएट न्यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून।